आज हम लोग हमारे YouTube चैनल नीतीश रोड डिफेंस पर आज ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक सेकंड में कैसे बना सकते हैं सभी व्युत्क्रमित निष्पत्तियां का कोई याद करने का आज कुछ ट्रिक से याद करने का कुछ देखते हैं। जैसे कि ये सबको मालूम होगा कि राइट ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल पर आधारित है। समकोण त्रिभुज को समकोण के सामने लोग कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने लोग लंब कहते हैं और जो बच के उसे आधार कहते हैं बेस कहते हैं। इसी पर हम किसी का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग जाना हो कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग लंब का निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यहां पढ़ रहेगा ए देख लो यहां आधार का चिन्ह है पॉजिटिव में है इधर आएगा तो निगेटिव में आएगा आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार हम लोग अगर लंब का निकालना है तो आधार का निकालना है तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यहां पर लंब क्या चीज है पॉजिटिव में है इधर आ गया तो नेगेटिव होगा माइनस लंब का स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसी को उतार फास्ट उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फॉर्मूला बनाते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। तो अब क्या किया गया कि लंब का अनुपात और कर्ण का अनुपात को साइन थीटा कर देते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां छह होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा और एक होता है सेक थीटा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां छह होते हैं साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक। इसी पर त्रिकोणमिति पूरा बेस्ट आधारित है। इसको का किया गया को साइन थीटा को अनुपातिक में बांटा गया साइन को पी और एच के अनुपात में बांटा गया जिसको बोला गया पी बटा एच को लंब बटा कर्ण। फिर इसको अनुपात में बांटा गया फिर पी पी और बी फिर एच। इसी प्रकार फिर कॉस को बांटा गया बी बाई एच को आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन को बांटा गया पी बाई बी के रूप में पी बटा बी। इसी प्रकार फॉर्मूला टेन थीटा बराबर पी बटा बी लंब बटा आधार। मान लो कैसे भी नहीं आता सिर्फ इसको याद रखो साइन कॉस टेन। एक ट्रिक का काम करेगा ट्रिक पाकिस्तान भूखा पड़ा पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। बस इसी को तुम रखो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बटा एच को साइन कहा गया और बी बटा एच को कॉस कहा गया कॉस थीटा कहा गया और पी बटा बी को टेन कहा गया। इसी से फॉर्मूला निकला है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। बस पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। पी बटा एच को साइन कहा गया जो आगे है तो साइन ऐसे भी हम लोग बोल चलने का बोलते हैं साइन कॉस टेन। तो साइन पी बटा एच आगे तो साइन बोल दिए बी बटा एच का पीछे है तो फिर बोलते हैं कॉस बनते हैं साइन के बाद तो कॉस हो गया पी बटा बी टेन हो गया पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी नहीं होता है तो बस इतना से याद हो जाएगा। एक और ट्रिक आता है लेकिन इतना इजी है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा याद रखना। फिर इसी से फॉर्मूला निकलता है कि साइन और कॉस और टेन का शादी करवाते हैं। इसको ट्रिक के अनुसार इसको लिख लो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो नोट करो।
इसी पर अगर हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का शादी करवाते हैं, मान लो कि ये पति सब है, ये सब पति लोग हैं, वर है, इधर वधू है, इधर पति लोग हैं, तो साइन का कहा कि हम सबसे बड़ा है, हमको सबसे बड़ा वाला शादी करना है, तो ये दोनों का के कॉन्स्टेंट की जाओ तुम अगर चुन के आओ वो और हम कर ले। तो साइन का कहता है कि हम बड़ा है, तो देखा कि इसमें बड़ा कौन है, तो देखा कि अच्छी छोटा लग रहा है, ये भी ये बड़ा लग रहा है, अच्छी छोटा लग रहा है, तो साइन है कि नहीं बड़ा हमको ये लोग रहा है, इस शादी करेंगे। तो कॉन्स्टेंट माना कि जाओ भाई तुम शादी कर लो, तो साइन कर लिया, वो किसो शादी कर लिया, कॉन्सेप्ट से कर लिया। अब कॉस का बारे में कॉस का देखा चीन इसको भी फरमाइश रहता है, कॉस अच्छी कर रहा है कि हम भी शादी करेंगे लेकिन हमारा कुंडली मिलना चाहिए, इसको कुंडली देखा गया लेकिन हम खोज के आते हैं कुंडली किससे मिलता है, तो सी और ए से, तो यहाँ पर सी या एस किससे मिल रहा है, सी सी और एस आगे जाके चले लेकिन कुंडली से मिल रहा है सी एस, तो याद करने का तरीका है सी ए से कॉस का शादी हो गया सेक्स से। इसी पर अगर टेन करना का चीज कि जाओ तुम लोग तो हमारा ही फरमाइश है कि हमको टी टी कम से कम ए को मिलना चाहिए कुंडली में, तो टी टी मिल गया तो हो गया टेन थीटा का कॉट थीटा और साइन का कॉस ए के कॉस का से और टेन का कॉट, ये याद करने का तरीका है। इसी पर अगर कहा गया कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, क्योंकि शादी होता है कॉसेक से ना, फिर कॉस थीटा का रिवर्स होता है साइन थीटा, दोनों आपस में कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा और सेक का रिवर्स होता है कॉस थीटा और टेन थीटा का रिवर्स होता है टेन का कॉट होता है और कॉट थीटा का रिवर्स होता है टेन थीटा, साइन का कॉसेक कॉस का सेक टेन का कॉट, इसी पर याद करना है साइन का कॉसेक कॉस का सेक टेन का कॉट। अब तुमको याद रहना चाहिए यह बात याद रहना चाहिए कि कोई चीज अगर रिवर्स में फॉर्मूला बनाते हैं, इसे फॉर्मूला देखा नहीं, जिसमें कोई चीज भी रिवर्स में रहता है उसे फॉर्मूला बनाते हैं, इसको नोट कर लो, इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके कोई भी चीज को अगर रिवर्स करके उल्टा करके गुणा किया जाता है तो एक देता है। इसमें मान लो कि पांच काम को रिवर्स करना है, फाइव को रिवर्स करना है, तो फाइव को रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो नीचे छिपा हुआ है, वन बटा फाइव गुना करेंगे तो कितना देगा, एक देगा ना। इसी पर फॉर्मूला निकलता है, जब ए दोनों का रिवर्स करेंगे तो एक देगा, जैसे कि देख लो, जैसे कि ए दोनों का रिवर्स करके किसी भी संख्या को रिवर्स करके मान लो कि तुम्हारे पास दो बटा पांच है, इसको रिवर्स कर गुना करेंगे तो पांच बटा दो हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके कितना आ गया, एक आ गया। इसी से आप फॉर्मूला निकालते हैं, ये भी दोनों तो रिवर्स उल्टा ही ना है, इसको पहला फॉर्मूला निकल देता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों रिवर्स है, इसका मान कितना होगा, एक होगा। अब तुमको विश्वास नहीं लग फॉर्मूला से चल दो, साइन थीटा का होता है पी बटा एच लंब बटा कर्ण, कॉसेक का होता है इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा पी, इसका एस एच कट गया पी से पी कट गया, कितना आ गया, एक आ गया, क्योंकि साइन का उल्टा है तो इसका फॉर्मूला पी बटा एच हो ना होगा, इसका कॉसेक का होगा एच बटा पी, कहेंगे उल्टा है तीसरा को फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा कॉसेक तो पी बटा एच होगा, इसका एच बटा पी होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग साइन का निकाले, साइन का फॉर्मूला निकाले तो साइन तो रहेगा, बचपन से ही पढ़ रहा होगा कि कोई चीज गुना में है तो उसको नीचे ले जाता है भाग में चल जाता है, तो वन बटा इस साइन कॉसेक गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम लोग कॉसेक थीटा का, इसी प्रकार हम लोग कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो वन रहेगा और साइन भाग में आ जाएगा वन बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर वन बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, यह फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से हम लोग सभी का फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि मान लो तुमको कॉस और सेक का फॉर्मूला निकालना है तो कोई भी चीज का रिवर्स करके गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है, एक होता है, तो मान लो कॉस थीटा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, मान लो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्यों हुआ, क्योंकि रिवर्स होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। तो इसका अगर नहीं मालूम है तो फॉर्मूला सही निकाल सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच आधार बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला बी बटा एच होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको हम
cos उल्टा से तीसरे फार्मूले को उल्टा कर देंगे तो h बटा b हो जाएगा आधार कर्ण बटा आधार sec का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि cos उल्टा sec होता है तो b बटा h होता है आधार बटा कर्ण होता है, उसी प्रकार sec का आधार बटा कर्ण हो जाएगा, इसका उल्टा होता है रिवर्स होता है sec। इसी प्रकार h बटा b हो जाएगा इसका a से a कट गया, a से a कट गया, आ गया a। प्रूफ हो गया कि cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे ही फॉर्मूला निकल सकता है, जैसे कि cos थीटा इक्वल टू 1 बटा sin थीटा, क्यों नहीं, cos तो cos रहेगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चल जाएगा 1 बटा sec थीटा। इसी प्रकार हम लोग sec थीटा का निकालेंगे तो 1 बटा sec रहने देंगे, cos नीचे में लेंगे 1 बटा cos थीटा, ये तुरंत वहां निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग tan को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो tan में वही है, कोई भी चीज का रिवर्स करके गुणा करते हैं तो उसका मान 1 होता है, तो तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा तुम्हारा tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी चीज का तो उल्टा रिवर्स दोनों, तो इसका tan का फॉर्मूला p बटा b लंब बटा आधार, तीसरा भी नाच होगा उल्टा कर देंगे, इसका फॉर्मूला b बटा p नीचे आएगा, b बटा p आधार बटा लंब, tan का p बटा b लंब बटा आधार, इसी प्रकार cot का होगा b बटा p आधार बटा लंब, p से p कट गया, b से b कट गया, आ गया एक आंसर। ये प्रूफ हो गया कि tan थीटा * cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे भी फार्मूला निकाल सकता है, जैसे कि tan थीटा ए मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड है 1 बटा cot थीटा इक्वल टू 1 बटा tan थीटा, ये फार्मूला हो गया कि tan थीटा ताकि डिवाइड ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चल जाएगा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। यह फार्मूला याद करने की बहुत ही सरल तरीका है, इससे भी तरीका ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अब फार्मूला बनाते हैं, अगला फार्मूला होता है चौथा नंबर फार्मूला होता है हम लोग का, साइन और कॉस दोनों ऐड में रहेगा, साइन और कॉस दोनों ऐड में रहेगा और जो बच गया वो सब सब्ट्रैक्शन में होगा फार्मूला, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार हम लोग को ये कैसे होता है तो लोग का मानना हुआ इजी है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो p बटा h का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, b बटा h का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, तो इसको टोड़ेंगे स्क्वायर तो p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा h स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटा h स्क्वायर इक्वल टू 1, h स्क्वायर के एलसीएम लेंगे लसा लेंगे तो h स्क्वायर होगा कटेगा p स्क्वायर, दोनों सेम है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर्ण स्क्वायर का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं h स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बटा में h स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक प्रूफ हो गया कैसे फार्मूला आता है। इसी प्रकार इसका फार्मूला नोट कर लेना, फार्मूला को सीट करने के लिए बोल दिया तो सीट कर सकता है। इसी प्रकार इसे फार्मूला निकलता है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा को देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तो 1 तो रहेगा ना, 1 रहेगा, ये प्लस नहीं ऊपर दिखता गया नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर तुम सबको दिया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो कोई बात नहीं है 1 को रहने देंगे, ये प्लस में sin है ऊपर दे माइनस में चल जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार पांचवा नंबर फॉर्मूला आता है, बस साइन ए कॉस पॉजिटिव होगा और दोनों दोनों घटेगा सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे में कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकता है, कॉस ए का डाल सकते हैं फॉर्मूला कॉट बुला सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका भी मान देंगे जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण साइन का होता है, साइन का उल्टा कोसेक है तो आधार कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इसका भी लंब बटा आधार टेन का होता है, टेन का उल्टा कोट है तो आधार बटा लंब होगा, इसके भी डालेंगे तो फॉर्मूला 1 सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध कर लेना।
जैसे कि अगर नहीं सिद्ध होता है तो कमेंट में जरूर करिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा, नहीं होगा तो इस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे सिर्फ फार्मूला सिद्ध करने के लिए। जैसे कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/1 यहाँ पर माइनस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग अगर कोटे स्क्वायर थीटा देख बन पड़े, अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ई से ले चलेंगे। देखो जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को ऊपर रहने देंगे, ये प्लस में पटी माइनस में आ जाएगा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में पटी प्लस माइनस में पटी प्लस में चला जाएगा। ये फार्मूला बन गया, इसको सजा कर लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला तुम्हारा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव में उसका पॉजिटिव में जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, हमको कॉट को पॉजिटिव बनाना था इसीलिए हम शुरू ऊपर ले जाके लिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहने थी पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में जाएगा 1, इसी पर कॉट पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में तो पॉजिटिव में जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको सजा कर लेते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला तुम्हारा बन गया। इसी प्रकार छठा फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे इसके प्रूफ कर सकता है तुम, इजी है, cos आधार बटा कर्ण इसको उल्टा करेंगे कर्ण बटा आधार, उसी प्रकार लंब बटा आधार को जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 सिद्ध हो जाएगा। जरूर कमेंट में बताइएगा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम लोग sec स्क्वायर थीटा को हम 1 नेगेटिव का पॉजिटिव जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1 नेगेटिव उधर पॉजिटिव में जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि इसमें भी इसी की तरह यहां पर करना है, इस sec स्क्वायर थीटा को रहने देना है, ये पॉजिटिव में है इधर नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में है उधर पॉजिटिव में जाएगा tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल माइनस में बराबर tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। ये जब इसको सजा कर लिख देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। इजी पूर्वक किसी का एक sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 इसका पॉजिटिव से फार्मूला निकल गया। इसी प्रकार फार्मूला हम लोग को याद कर सकते हैं, ठीक है, इतना नोट करो